हेलो एवरीवन, तो आज अपने सामने है टाटा पंच डॉट ईवी जो कि अभी न्यूली मार्केट में लॉन्च हुई है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चर्चे चल रहे हैं इस कार के। भाई ईवी कार है, छोटी सी कार है तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे चलेंगे ही, और ऊपर से टाटा पंच है यार। पंच का नाम तो भैया जब से पेट्रोल में आती थी तब भी बहुत ज़्यादा नाम चलता था और अब भी है। इसके आपको 5 वेरियंट आते हैं, स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड प्लस। तो आज अपने सामने एम्पावर्ड प्लस वेरियंट है, और इसकी रेंज की बात करें तो इसमें आपको दो रेंज मिल जाती है। एक मिल जाती है आपको 315 किलोमीटर की और एक मिल जाती है आपको 421 किलोमीटर की। दो रेंज आपको मिल जाती है। तो आज हमारे सामने लॉन्ग रेंज वाली है, 421 किलोमीटर वाली। और आपको अगर कोई सी भी कंपनी की कार चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का आपको शो हो रहा होगा carlord_767, वहाँ आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डिस्काउंट में दिलवाऊंगा कार दिल्ली NCR, और आपको मुरादाबाद, रामपुर या फिर आपको बरेली में आपको कार चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्काउंटेड दिला दूंगा कार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। बाकी आप अब हमारे सामने है टाटा पंच डॉट ईवी। अब इसके प्राइस की बात करें तो 10.99 लाख से ये इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है, जो अपने सामने टाटा पंच ईवी है। और अब इस गाड़ी का डिटेल वॉकराउंड दूंगा मैं आज आपको, और क्या क्या कंपनी ने इसके अंदर एड ऑन करा है नॉर्मल टाटा पंच से वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉकराउंड से। पहले इस गाड़ी की बात कर लेते हैं। कुछ इस टाइप की मिलेगी आपको इसके अंदर, लॉक का फीचर मिल जाएगा, ये आपको हेडलाइट ऑन करने का फीचर मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये आपको अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, और एक बूट स्पेस ओपन करने का फीचर मिल जाता है। बाकी आपको ये टाटा पंच में ये वाली की देखने के लिए नहीं मिलती थी, ये टाटा हैरियर और सफारी वाली की है। और फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यार फ्रंट से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये कार। यहाँ पर आपको कनेक्टेड DRL मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हैं, टाटा नेक्सॉन ईवी में भी आपको देखने के लिए मिलती है ये DRL। बाकी नीचे की साइड में आपको हेडलाइट मिल जाएगी जो कि LED में होगी, और फॉग लैंप मिल जाएंगे जो कि LED में ही होंगे इस कार के अंदर। नीचे आपको एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा जो कि 360 डिग्री कैमरा होगा इस कार के अंदर, और आपको बीच में आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं, और ये आपका चार्जिंग के लिए मिल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार चार्जिंग सॉकेट कैसे खुलता है इस कार का चार्जिंग के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बटन, ये आप प्रेस करेंगे तो आगे का चार्जिंग सॉकेट खुल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से खुलता है, ये एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आपका खुल गया, वहाँ से आपका खुल जाता है। एक ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर वाला, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल चार्जिंग के लिए है, और जो नीचे देख रहे हैं ना ये फास्ट चार्जिंग के लिए है, ये आपका नीचे दे रखा है। अभी मैं आपको इसका चार्जर भी दिखाऊंगा पीछे ले जाके, आप टेंशन मत लीजिए, एक बार इसका चार्जर भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब एक बार इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर चलते हैं कि साइड प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी। तो यार साइड प्रोफाइल से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, न्यू अलॉय देखने के लिए मिलेंगे आपको इस टाटा पंच डॉट ईवी के अंदर। और टायर साइज़ की बात कर लें इस कार के, तो 16 इंचेस के इसके अंदर आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। अलॉय व्हील का एकदम नया डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएंगे, डॉट ईवी की बैजिंग आ जाएगी, और ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है इस कार में। बाकी आपको रियर में भी डिस्क मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। बाकी यार कार तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे यार, टाटा पंच डॉट ईवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार बना दी है। इसके अंदर फीचर्स भी आपको लोडेड मिलेंगे, और ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, ये आपको RPM पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा इस कार के अंदर। तो और क्या ही लेंगे, ऊपर की साइड में रूफ रेल मिल जाएगा, एक सनरूफ मिल जाएगा छोटू सा, लिटिल स्पेस है सनरूफ में निकलने के लिए, और ऊपर की साइड में एक शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा जो कि ग्लॉसी कलर में होगा। और ये आप देख सकते हैं, आप 50 लाख गाड़ी बेच चुके हैं टाटा वाले अपनी। और रियर की प्रोफाइल की बात करें तो यार रियर प्रोफाइल से नॉर्मल टाटा पंच की तरह लगती है, और ये टाटा का लोगो थोड़ा चेंज आ जाता है, और ये वाइपर आ जाता है एक, और ऊपर की साइड में आपको अपर स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलता है। बाकी एक रियर कैमरा आ जाता है, और पंच डॉट ईवी की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। दो पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, आपके रिफ्लेक्टर आ जाते हैं, और टेल लाइट आपकी नॉर्मल वही टाटा पंच वाली आ जाती है। अब एक बार बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं इस कार का, तो इसके अंदर आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, थोड़ा सा सामान रखा हुआ है यार। एक बार मैं आपको इसका चार्जर दिखा देता हूँ एक बार इस कार का, तो यार ये चार्जर देखो आप, ये अभी थोड़ा पैक्ड है, तो ये इसका चार्जर आ जाता है अपने सामने, ये लॉन्ग रेंज वाली है, इसका ये चार्जर आ जाता है ये जो आप देख रहे हैं। एक बार मैं इसका निकाल ही देता हूँ प्रॉपर चार्जर, तो ये इसका चार्जर आ जाता है, एक बार मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसका चार्जर आ जाता है, कुछ इस टाइप का चार्जर आ जाता है इस कार का। तो यार मैं ऐसे ही बंद कर देता हूँ अभी, बाद में ऐसे ही कर दूंगा अपने आप। और ऊपर की साइड में एक देख सकते हैं पार्सल ट्रे आ जाती है जो आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, पार्सल ट्रे इस कार के अंदर आपको मिल जाती है। और बाकी यार ग्रैब हैंडल आ जाता है बंद करने के लिए पीछे बूट स्पेस को। और अगर आप ये चार्ज करते हैं ना नॉर्मल चार्जर से जो कार के साथ आता है, तो आपको 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं फुल चार्जिंग में। एक बार मैं आपको इसका बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ, बैटरी दिखा देता हूँ एक बार आपको, तो यहाँ से इसका बोनट ओपन हो जाता है, और एक बार बैटरी और दिखा देता हूँ मैं आपको इस कार की। तो यार एक बार देख लेते हैं बोनट ओपन करके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसका बोनट ओपन हो जाता है,
और ये देख सकते हैं डॉट ईवी की बैजिंग आ जाती है बैटरी के ऊपर, ये कवर दे रखा है, ऊपर की साइड में इंसुलेशन आ जाता है, और ये जो है ना लॉन्ग रेंज ये प्रोड्यूस करके देता है 120 bhp एंड 190 nm का टॉर्क ये, और 0 to 100 ये 9.5 सेकंड में चले जाती है कार जो है कंपनी क्लेम करके देती है। और माइलेज तो अब इसके अंदर आपको पता ही है, बैटरी 421 किलोमीटर की रेंज है इस कार की, तो 421 किलोमीटर की मान के चलिए तो आप अगर सिटी में चलाते हैं नॉर्मल तो आपकी 400 से भी कम निकलेगी, मतलब 390 मान के चलो यार आप, 390 किलोमीटर्स तो निकल ही जाएगी, और भी थोड़ा कम करोगे तो 380 तो कहीं नहीं गई। और ये आप रिक्वेस्ट सेंसर देख लेते हैं। अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर में यार ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़ कर रखा है, ये सब हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है इधर की साइड में। नीचे की साइड में बोतल होल्डर और एक अम्ब्रेला होल्डर का स्पेस, ये आपको अम्ब्रेला होल्डर का स्पेस मिल जाता है। बाकी चारों विंडोज़ के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल मिल जाते हैं इस कार में। और सीट्स की बात करें तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी, लेदर प्लस फैब्रिक सीट्स मिल जाएगी इस कार के अंदर, हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी आपको। अब मैं एक बार इस कार के इंटीरियर में बैठ जाता हूँ, फिर इंटीरियर की बात करते हैं। तो एक बार मैं आपको इसके अंदर एनिमेशन दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको इसके अंदर कार ऑन होने दो यार, ये देखो आप एक बार, ये देख रहे हो आप डिस्प्ले पे और अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, यार कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है इसका एनिमेशन, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब इसके इंटीरियर की बात करें ना, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, तो यार देखो मतलब नेक्सॉन की तरह ही इसका इंटीरियर है प्रॉपर, कुछ चेंजेस नहीं है, बस नेक्सॉन की तरह ही एकदम देख सकते हैं इंटीरियर दे रखा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो डुअल देख सकते हैं, डुअल स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, बीच में आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाएगा जो कि नेक्सॉन से ही स्टार्ट हुआ था। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको टेलीस्कोपिक ही मिलेगा, टिल्ट नहीं मिलता है इस कार के अंदर। बाकी ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ की साइड में पैडल शिफ्टर आ जाते हैं, और इधर की साइड में आपके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, इधर की साइड में आपके हेडलाइट के कंट्रोल आ जाते हैं। ये देख रहे हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप का एक बटन आ जाता है इस कार का। बाकी यहाँ की साइड में मैंने आपको दिखाई दिया था, ये आपका डोर हैंडल आ जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये आपका इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है जो कि 10.25 इंच का होता है। इसके अंदर आपको देख सकते हैं नेविगेशन का, ये सब आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशन, एनर्जी इन्फो, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकती है। 247 किलोमीटर की गाड़ी अभी चल सकती है हमारी, देख सकते हैं आप। टायर इन्फॉर्मेशन आ जाती है TPMS वाला जो होता है, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इस कार के अंदर मिल जाती है। बाकी रेंज आपको दिख रही होगी, 247 किलोमीटर रेंज अभी दिखा रहा है इस कार के अंदर। 10.25 का इसके अंदर एंड्रॉइड कारप्ले, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है। 10.25 का इसके अंदर आपको देख सकते हैं ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड कारप्ले, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है, दोनों ही वायरलेस पे करता है सपोर्ट। बाकी ऊपर की साइड में IRVM आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक IRVM होगा आपका, और इधर की साइड में टिकट होल्डर आ जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं वैनिटी मिरर आ जाता है, और एक आपको छोटू सा सनरूफ मिलता है इस कार के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर इस कार के अंदर आपको एक सनरूफ मिल जाता है जो आप देख रहे हैं। बाकी इधर आपको SOS के लिए आ जाता है, और इसकी आपकी एक केबिन लाइट आ जाती है जो आप देख रहे हैं, ये आपकी केबिन लाइट आ जाती है। तो यार गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना दी है छोटू सी ईवी, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फीचर्स एकदम अंदर बैठ के काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी बना दी है। यहाँ की साइड में आपके टच पैनल कंट्रोल आ जाएंगे सारे ही आपके, ये जो आप देख रहे हैं AC के, और आपका बूट स्पेस ओपन करने के 360 डिग्री कैमरा, एक बार और दिखाता हूँ आपको मैं एक बार, ये देखो यार इसका 360 डिग्री कैमरा देखो यार, ये देखो आप 360 डिग्री कैमरा काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी के साथ है जो आप देख रहे हैं। और एक और चीज़ दिखाऊँ, जैसे मैं इंडिकेटर देता हूँ तो इधर की साइड में आपको इधर की लेन का दिखाएगा, और राइट का देता हूँ तो राइट की लेन का ये आपको दिखाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी ये आपका ग्लोव बॉक्स आ जाता है जो कि कूल ग्लोव बॉक्स मिले, ग्लोव बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और डैशबोर्ड की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक है, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं है इस कार के अंदर। बाकी आर्मरेस्ट पे सॉफ्ट टच दे रखा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, आर्मरेस्ट के अंदर छोटू सा स्पेस है, बहुत ही कम लिटिल स्पेस दे रखा है, कोई भी आपको इसके अंदर देख सकते हैं कूल आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी ये दो आपको कप होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, ये आपको चार मोड्स मिल जाएंगे इसके अंदर, रिवर्स है। अभी पार्किंग पे हमारी गाड़ी PRND ये मिल जाएंगे। बाकी ये देख सकते हैं आप इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव, सिटी और स्पोर्ट दो मोड मिल जाएंगे यार। ये देखो आप एक्टिवेटेड, ये जो आप देख रहे थे ना, ये आपका यहाँ की साइड में वायरलेस चार्जिंग के लिए, यहाँ की साइड में ऊपर से एक लाइट भी दे रखी है, और ये आपका 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आ जाता है, और एक USB का और टाइप सी का ये सॉकेट आ जाता है इस कार के अंदर। तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दी है ये कार जो EV बनाई है ना, अगला की सेगमेंट पे ये कार। अगर रियर सीट पे चल लेता हूँ, रियर सीट का स्पेस दिखाता हूँ आपको,
फिर थोड़ी सी सीट आगे करनी पड़ेगी। बाकी दोनों ही सीट्स पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट में, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट पे। तो यार स्पेस तो ठीक ठाक सा दे रखा है, ये ज़्यादा ही आगे कर दी मैंने सही बताऊँ तो। और यहाँ की साइड में आपके कंट्रोल्स आ जाते हैं, मिरर के कंट्रोल, ऊपर की साइड में एक ग्रैब हैंडल आ जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हैंडल आ जाता है इंटीरियर में। तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस है, और नीचे की साइड में कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दे रखा, और रियर में एसी वेंट्स दे नहीं रखे इस कार के अंदर। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी। अब सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है, ABS मिल जाता है, EVD मिल जाती है, और आपको सीट बेल्ट वार्निंग लाइट मिल जाती है। तो सेफ्टी में तो टाटा टॉप ऑफ द लाइन पे ही रहता है भैया सारी गाड़ियों से। तो यार ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।